नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, 39 फीट बाय 43 फीट प्लॉट साइज में एक वेस्ट फेसिंग 2 BHK हाउस प्लान। यहाँ पे आज प्रॉपर प्लॉट साइज के अंदर हमने साइड मार्जिन भी रखा है और उसी के अंदर ये 2 BHK का प्लानिंग किया है पार्किंग के साथ में। तो चलिए शुरू करते आज का ब्लॉग। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, तो इसके लिए आप लोग सब लोगों को काफ़ी सारा धन्यवाद। और आप लोगों ने जो सपोर्ट और प्यार दिया, उसी की बदौलत ये पॉसिबल हुआ है। तो 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे, वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है एक्चुअल में। ये यहाँ पे वेस्ट में रोड का प्रोविज़न है। प्लॉट की जो नॉर्थ साउथ लंबाई है वो 39 फीट है और ईस्ट वेस्ट लंबाई प्लॉट की 43 फीट है। तो यहाँ पे हमने ईस्ट फेस में बैक साइड से जो है 3 फीट का साइड मार्जिन छोड़ा है यहाँ पे ये। उसके बाद यहाँ पे साउथ फेस से भी हमने 3 फीट का साइड मार्जिन छोड़ा है। फ्रंट से हमने वेस्ट फेस से यहाँ पे 5 फीट का साइड मार्जिन छोड़ा है। और जो लेफ्ट साइड है नॉर्थ फेस, तो यहाँ से हमने 4 फीट 1 इंच का साइड मार्जिन छोड़ा है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे अंदर आते, सामने हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे पार्किंग का प्रोविज़न किया है। पार्किंग की साइज़ यहाँ पे हमने 11 फीट बाय 14 फीट 9 इंच रखी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऊपर आते तो एक छोटा सा वरांडा प्रोवाइड किया है। वरांडा की साइज़ यहाँ पे 6 फीट 11 इंच बाय 9 फीट है। और वरांडा के ऊपर ही ये एक पोर्च का भी प्रावधान किया है। यहाँ पे पोर्च की साइज 11 फीट बाय 11 फीट है। वरांडा के ऊपर ये पोर्च आएगा। प्लॉट हमारा वेस्ट फेसिंग है, लेकिन हमने हाउस प्लानिंग नॉर्थ फेसिंग में की। तो यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है लिविंग एरिया के अंदर जाने के लिए, वो हमने नॉर्थ फेस में प्रोवाइड किया है। तो ये मेन एंट्रेंस डोर हो गया। जैसे अंदर आते सामने ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है। साइज इसके 11 फीट बाय 18 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे स्टेयरकेस ब्लॉक प्रोवाइड किया है। एक्चुअली हमारे एक क्लाइंट है संदीप दिवर करके, तो उनके लिए हमने यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया था। तो उन्हें स्टेयरकेस ब्लॉक साइड में चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे प्रोवाइड किया है। स्टेयरकेस ब्लॉक की साइज़ यहाँ पे 6 फीट 2 इंच बाय 14 फीट 9 इंच है। उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे एक किचन का प्लानिंग किया है। किचन की साइज 12 फीट बाय 9 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा पैसेज मिल रहा है हमें। पैसेज की साइज यहाँ पे 4 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे एक WC का प्रोविजन किया है यहाँ पे, और सेंटर में ये बाथ यूनिट प्रोवाइड किया है। WC की साइज 7 फीट बाय 4 फीट रखी है। साइज बड़ी रखी है क्योंकि उनको यहाँ पे कमोड भी फिट करना है और उड़ीसा पैन की भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इसकी साइज़ बड़ी रखी है। बाथ यूनिट की साइज़ भी सेम रखी है, 7 फीट बाय 4 फीट। उसके बाद यहाँ पे ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे मास्टर बेड प्रोवाइड किया है। मास्टर बेड की साइज़ यहाँ पे है 12 फीट बाय 10 फीट। मास्टर बेड के लिए यहाँ पे हमने अटैच टॉयलेट बाथ का प्रोविज़न किया है। साइज़ इसकी 7 फीट बाय 4 फीट है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ये हमारा बेडरूम 2 है। साइज इसकी 11 फीट बाय 12 फीट 6 इंच है। बेडरूम 2 के अंदर यहाँ पे हमने छोटा सा कबर्ड के लिए स्पेस रखा है।
और इसकी लंबाई है 7 फीट 5 इंच बाय 2 फीट। इसमें जो एक्सटर्नल ब्रिकवर्क है उसकी थिकनेस 9 इंच है और बाकी जो इंटरनल ब्रिकवर्क है उसकी थिकनेस 6 इंच है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर प्लानिंग है। तो दोस्तों आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से हाउस प्लानिंग करनी है, वास्तु अनुसार घर का नक्शा बनाना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है ऊपर में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ख़त्म करते आज का ये प्लान, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।